सबसे पहले हमारे इसकी बेसिकली इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है सॉफ्टवेयर में तो क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो हमें क्वेश्चन ज़्यादा ही पढ़ने करने चाहिए ठीक है तो दूसरी एबिलिटी है ये कि जो क्वेश्चन मेरे जिस तरह से होंगे मिक्स नहीं होंगे उसी तरह से पहला क्वेश्चन आपका होगा दूसरा जैसे मेरा होगा उसी तरह से आपका दूसरा होगा ठीक है तो यहाँ से मुझे भी पता चलता रहेगा आपका ठीक हो रहा है गलत हो रहा है द टर्निंग रूल टर्निंग यानी कि टर्न लेना रोड के ऊपर उसके जो कवानीन हैं द टर्निंग रूल मीन्स द टर्निंग रूल का मतलब है डेट वेन यू टर्निंग एट द जंक्शन जब आप मोड़ते हैं जंक्शन के ऊपर चौक के ऊपर यू मे नाट ऑबस्ट्रक आपने को रुकावट नहीं बनना ट्राफिक के लिए ऑबस्ट्रक ट्राफिक आपके लिए ट्राफिक के लिए आपने रुकावट नहीं बनना ऑन द रोड रोड के ऊपर सड़क के ऊपर यू आर टर्निंग ऑन टू जब जहाँ जहाँ पे आप टर्न कर रहे हैं उस रोड के ऊपर आपके आपने ट्राफिक के लिए रुकावट नहीं बनना वेन टर्निंग जब आप बाएं घूमते हैं एट एन इंटरसेक्शन एक चौक के ऊपर फॉर ऑन कमिंग ट्राफिक जब आप लेफ्ट घूमना है आपने तो आपने ध्यान रखना है आप सामने जब आपने लेफ्ट साइड पे घूमना होता है ना टर्न करना होता है फॉर एग्जाम्पल राइट पे घूमना है तो फिर तो ठीक है सर देखेंगे प्रेरिटी देखें सबको जिसकी बनती है अगर आपकी बनती है तो आप आ, पहले निकल जाएंगे और सिर्फ पेरिस्ट्रेन को जो लेफ़्ट रोड के ऊपर होगी पेरिस्ट्रेंड उसको प्रायोरिटी देनी होती है अदरवाइज़ राइट पे आप आराम से घूम जाएंगे अगर लेफ्ट घूमना हो ना तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होती है फिर देखना होता है फोकस करना होता है कि वन वे रोड है टू वे रोड है अगर इन केस वन वे रोड है सिर्फ जाने वाली है तो बाई तरफ हो जाएंगे और बां घूम जाएंगे फिर तो आसान है अगर टू वे रोड है तो फिर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि जो रोड है बाई तरफ है जहाँ पर आपने घूमना है अगर टू वे है स्पेशली तो आप फर्स्ट ऑफ़ ऑल एक आप तो बाई तरफ नहीं होंगे क्योंकि सामने से आने वाले ट्रैक जो है ना आने वाली गाड़ियों के लिए है ऑन कम व्हीकल्स के लिए तो आपने क्या करना है सेंटर में हो जाना है राइट राइट पे घूमना है पे राइट पे होना है जो लेफ़्ट घूमना है तो फिर सेंटर में थोड़ा सा आ जाना है सेंटर में आके पहले तो राइट वाली गाड़ियों को प्रायोरिटी देनी है फिर सामने से आने वाली गाड़ियों को भी प्रायोरिटी देनी है क्योंकि आपने उसको उनका रास्ता काटना जो सामने से आने वाली ओन कमिंग व्हीकल्स है ना ऑन कमिंग ट्राफिक है यानी कि सामने से आने वाली ट्रैफिक है उसका आपने रास्ता काटना है इसके लिए ज़रूरी है कि आप सामने सामने से आने वाली गाड़ियों को भी प्रायोरिटी दें ठीक है फिर उसके बाद आपने लेफ्ट पे घूमना है और जिस रोड के अंदर इंटर हो रहे हैं वहां पे भी किसी के लिए रुकावट नहीं बनना अगर कुछ भी चीज ना समझ आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं ठीक है जिसमें आगे हम पिक्चरें भी क्वेश्चन जब करेंगे ना पिक्चर कुछ पिक्चरें भी देखेंगे कि लेफ़्ट पे घूमना नीचे रोड के ऊपर लाइन्स पड़ी होती हैं उन लाइन की इंडिकेशन को फॉलो करना होता है कुछ बाएं घूमने के लिए स्पेशल लाइन्स होती हैं कुछ दाएं घूमने के लिए स्पेशल लाइन होती है ठीक है उसके ऊपर एरो के, के निशान तीनों के निशान पड़े होते हैं द एग्जिट रूल बाहर निकलने का जो कानून है एग्जिट रूल मीन्स बाहर निकलने का कानून है जो डेट यू हैव अ ड्यूटी टू गिव वे आपके ऊपर लाजमी है कि आप रास्ता दें वेन यू आर क्रॉसिंग और एग्जिटिंग सर्टन एरियाज जब आप, आप हाथ किस्म के एरिया से बाहर निकल रहे हैं या हाथ किस्म की स्पेसिफिक जगह से या गैराज से या किसी पार्किंग से कहीं से भी बाहर निकल रहे हैं तो आपने क्या करना है गिव वे आपने प्रायोरिटी देनी है दूसरे लोगों को जो रोड के ऊपर हैं ऑलरेडी गाड़ियों के साथ जो भी गाड़ी हो साइकिल हो कुछ भी हो ठीक है द एग्ज़िट रूल अप्लाइज एग्जिट रूल अप्लाई होगा इन द फॉलोइंग सिचुएशन इस इन सिचुएशन पे इन कंडीशन ये आ, आपने इसको अप्लाई अप्लाई होना इस एग्जिट रूल को अपने प्लीज़ माइक कर दें किसी के पीछे शोर है या फिर शोर कम कर दें व्हेन यू ड्राइव जब आप ड्राइव करते हैं आउट ऑफ द पार्किंग स्पेस पार्किंग स्पेस से बाहर आपने जाना है अपने प्लीज़ आप माइक बंद कर दें तो मैं अपना माइक बंद कर दूंगा फिर आप कुछ पूछेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगी ना वन यू ड्राइव आउट ऑफ द आउट ऑफ पार्किंग स्पेस अगर आप पार्किंग स्पेस से बाहर ड्राइव कर रहे हैं ए, स्पेस मल्टी स्टोरी कार पार्किंग जो कि मल्टी स्टोरी कार पार्किंग कार पार्किंग की बिल्डिंग होती है ना उसमें ए, फिलिंग स्टेशन प्रॉपर्टी और सिमिलर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या फिर सिमिलर सिमिलर इस टाइप की कोई चीज हो गैराज वगैरह ये हो भी ठीक है उससे बाहर आप निकलते हैं पार्किंग से निकलते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया तो उस सूरत में ग्राय से निकलते हैं आप लोगों के घर बड़े बड़े होते हैं उनसे निकलते हैं तो उस सूरत में आपने प्रायोरिटी देनी है वैन यू ड्राइव आउट फ्रॉम अ बाइक पाथ जब आप ड्राइव आउट करते हैं बाहर निकलते हैं एक बाइक पाथ से बाई बाईसकल स्ट्रीट से होम जोन से पेडिसट्रेन से स्ट्रीट से पेडिसट्रेन और स्ट्रीट छोटी गलियाँ जो होती हैं टेरन आ हार्ड शोल्डर या फिर हार्ड शोल्डर यानी कि जो रोड का किनारा वगैरह था उससे दोबारा उससे रोड के अंदर एंटर होते हैं ठीक है थीके? इस सूरत में भी आपने एग्जिट रूल है कि आपने प्रायोरिटी देनी जो आर रोड के ऊपर चल रही हैं वैन यू क्रॉस द फुटपाथ और बाइक पाथ फुटपाथ या फिर बाइक का जगह है जो उसको क्रॉस करते हैं तो उस सूरत में भी प्रायोरिटी देनी है वैन यू ड्राइव आउट फ्राम द नेरो रोड जब आप निकल रहे हैं बाहर नैरो तंग रोड से माइनर रोड जो छोटी रोड होती है जिसको प्रायोरिटी नहीं होती और सिमिलर एग्जिट या फिर इस तरह का कोई सिमिलर एग्जिट है तो आपने क्या करना ये वे आपने प्रायोरिटी देनी है दूसरों को आगे आ जाएं नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है कैन यू इंटेंड टू टर्न लेफ्ट नेक्स्ट नेक्स्ट किया ना आगे ना गए जब आप ख्याल रखते हैं बाएँ घूमना विच ऑप्शन इज़ करेक्ट कौन सा ऑप्शन इन तीनों में से करेक्ट है ये देखें अगर आ, हम फोकस करें यहाँ पे दो बाएँ घूमने के लिए एक स्पेसिफिक स्पेशल ट्रैक दिया गया है ठीक है उस ट्रैक के अंदर पहले आपने इंटर होना है फिर क्या करना है जब बाएँ घूमना होता है तो सामने से आने वाली गाड़ियों को भी प्रायोरिटी देनी है ठीक है बेसिकली क्वेश्चन के तीन ऑप्शन कह रहे हैं ऑन कमिंग विकल्स सामने से आने वाली खोले मस्ट गिव वे वो मस्ट गिव वे अभी ये थोड़ा वो कर रहे हैं आपको कंफ्यूज कहने के सामने से आने वाली गाड़ियां आपको त्रस्ता दें एंड स्लो डाउन और रास्ता करें टू फैसिलिटेट माय टर्न को मैं आसानी से टर्न ले सकूं सामने से आने वाला जो ट्रक है जो गाड़ियाँ हैं वो कह रहे हैं कि हमें फैसिलिटेट करें हमारे लिए आसानी पैदा करें सामने से आने, क्योंकि रास्ता हमने उनका काटना है बा हमने घूमना है तो क्या करना है हमें प्रायोरिटी देनी है उसको ऑन कमिंग विकल मस्ट गिव वे नहीं होगा जो ऑन कमिंग विकल है हमें उनको पहले दे, प्रायोरिटी देनी होगी है? आगे कह रहे रहे हैं ठीक है नो वन नीड्स टू गिव वे किसी को भी रास्ता नहीं देना पहला तो आपका समय लगे ना गलत है अभी दूसरा तो कह रहे हैं किसी को भी रास्ता नहीं देना ये तो यहाँ पे ही गलत हो जाता है ना देर इज़ म्यूचल म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिटवीन मी एंड ऑन कमिंग वहीकल्स ऑन कमिंग ट्रैफिक मेरी और आसामी सामने वाली गाड़ी इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी ने भी कोई जरूरत नहीं है रास्ता वगैरह देने की रास्ता तो देना ही पड़ेगा एक जिसका बनता है उसको देना पड़ेगा तो मैं कौन है मैं घूम रहा हूँ तो मुझे ही देना पड़ेगा इस करके ये क्वेश्चन तो यहीं पर भी फाल्स हो जाता है गलत तो हो जाता है ठीक है तीसरा कहने कह रहे हैं कि आई मस्ट गिव वे टू ऑन कमिंग मुझे मस्ट रास्ता देना पड़ेगा ऑन कमिंग सामने से आने वाली गाड़ियों को कह रहे हैं कि मुझे रास्ता देना पड़ेगा सामने से आने वाली गाड़ियों को तो क्या ख्याल है देना पड़ेगा रास्ता सामने से आने क्योंकि मैंने बाएं घूमना है ना देना पड़ेगा ना uh, जबरदस्त शाबाश शाबाश इसलिए ये इसको करेंगे करेक्ट ऊपर वाले फिर दोनों गलत ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग अप्लाइज एट द जंक्शन जंक्शन के ऊपर क्या अप्लाई होगा द एग्जिट रूल फर्स्ट ऑप्शन है द एग्जिट रूल एग्जिट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि जंक्शन है जंक्शन है तो उस क्या ख्याल है अपना एग्जिट रूल अप्लाई होना चाहिए ना मेरे ख्याल में होना चाहिए ठीक है आप अपना बता सकते हैं दूसरा ऑप्शन पढ़ता हूं मैं द प्रायोरिटी टू द राइट रूल प्रायोरिटी यहां पे अवलियत अवलीयत को दी जाएगी राइट right, दाएं को ठीक है यहां पे दाएं को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी ना यहाँ पे वो इंटरसेक्शन नहीं है ठीक है जंक्शन है आगे है तीसरा ऑप्शन है ये मुझे गलत का लग रहा है आर अदर व्हीकल्स एट द जंक्शन दूसरी सभी गाड़ियाँ जो जंक्शन में है मस्ट गि टू मी सभी मुझे प्रायोरिटी देंगी जो विच वाज़ द फॉलोइंग अप्लाइज टू एट द जंक्शन जंक्शन पे कौन सी चीज़ अप्लाई होगी एग्जिट बे एग्जिट एक को क्लिक करेंगे ठीक है मेरा ठीक हो गया आपने कौन कौन सा किया था ब्रा शाबाश यानी कि जो एग्जिट कर रहा है वहाँ से जंक्शन पे उसने ही प्रायोरिटी देनी होती है आगे है जी बहुत सिचुएशन दो न, आगे हैं जी आ, अपने पिक्चरें आ गई हैं ठीक है इन में इन बोथ सिचुएशन दोनों सिचुएशन में द रेड कार जो रेड कार है ठीक है इज अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट वो राइट साइड से एंटर हो रही है रोड में दोनों सिचुएशन में रूल अप्लाई इन एग्जिट रूल अप्लाई इन ईदर सिचुएशन दोनों सिचुएशन में एग्जिट रूल अप्लाई होगा इन यू आर ड्राइविंग इन अ कार पार्क आप एक कार पार्क में ड्राइव कर रहे हैं जब आप कार पार्किंग में ड्राइव कर रहे हैं ठीक है फिर तो अप्लाई नहीं होगा मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि यू यस बट ओनली इन सिचुएशन ए सिर्फ एक सिचुएशन ए में यस बट ओनली सिचुएशन बी क्योंकि बहुत चीज़ें हमने पढ़े हैं ना बोथ का एक ही जवाब होना चाहिए सिर्फ सिचुएशन बी में ये भी गलत यस इन बहुत सिचुएशन ए और बी ए और बी दोनों सिचुएशन में मेरे ख्याल में नो no को क्लिक करेंगे क्योंकि ये जंक्शन नहीं है कह रहे हैं इन सिचुएशन है इन सिचुएशन में यूर ड्राइविंग इन अ पार्क पार्क कार पार्क है ये मेरा ए वाला ठीक होया जी द प्रियोरिटी टू द राइट रूल नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं ठीक है प्रियोरिटी टू द राइट रूल कार पार्क सिचुएशन ए में है द एग्जिट रूल ओनली अप्लाइज वेन एग्जिट इन फ्रॉम द कार पार्क जब आप एग्जिट कर रहे हैं यहाँ पे तो एग्जिट नहीं कर करना बता रहे ना जो ऊपर सिचुएशन है द ट्रैक कार इज ड्राइविंग फ्रॉम द प्राइवेट रोड द प्राइवेट प्राइरिटी टू द राइट रूल अप्लाई यहाँ पे राइट रूल अप्लाई होगा यहाँ पे बी वाली सिचुएशन है आगे आ जाए यू यू इंटेंड टू ड्राइव आगे एक नई पिक्चर आई एक और पिक्चर आ गई है यू इंटेंड टू आप क्या रखते हैं ड्राइव करने का स्ट्रेट सीधा यानी कि आप सीधा जाना चाहते हैं आ हेड एट द जंक्शन इज इस, इस जंक्शन के ऊपर वट शुड यू डू आपने क्या करना है वो साइकिल वाला है उसने बाएं मोड़ना है ठीक है आपने सीधा जाना है आई शुड गो फर्स्ट एट दाइकिस एज अ ड्यूटी टू गिव वे टू मोटर व्हीकल्स को जरूरी है कि वो मोटर व्हीकल्स को रास्ता दे इसलिए मुझे जैसा सीधा जाना है देखें चाहे मैं सीधा जा सकता हूं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइकिलिस्ट को ये क्वेश्चन में इसमें प्रॉब्लम है कह रहे हैं कि, कि साइकिलिस्ट जो है साइकिल वाला ड्राइवर है मस्ट ड्यूटी गिव वे इसकी हमेशा यकीन ड्यूटी दू, लाजमी ड्यूटी होती है कि मोटर व्हीकल को रास्ता दे इस वजह से क्वेश्चन ये गलत लग रहा है क्योंकि साइकिलिस्ट होना इसका ये नहीं मतलब साइकिल भी एक गाड़ी है बिना मोटर के जहाँ पे रोड के कानून के तहत आपको प्रायोरिटी मिलती है वो वो आपको साइकिल के ड्राइवर को भी मिलती है ठीक है इसलिए सिर्फ़ इस बेस के ऊपर उसको रास्ता नहीं देना चाहिए कि वो साइकिल के ऊपर है जैनली उसको देना चाहिए बाय उसने मोड़ना है लेकिन सिर्फ बंदा सोचे कि यार वो साइकिल पे है साइकिल की वजह से छोटी कार है या छोटी गाड़ी है इस वजह से रास्ता देना है क्वेश्चन गलत हो जाएगा आई शुड गो फर्स्ट मुझे पहले जाना है बट आई मस्ट बी रेडी टू ब्रेक लेकिन मुझे पहल यकीन रेडी तैयार रहना चाहिए ब्रेक मारने के लिए एज द साइकिलिस्ट इज़ इंडिकेटिंग डैट दे आर गोइंग टू टर्न जैसे कि साइकिलिस्ट जो है इंडिकेट कर रहा है वो गोइंग टू टर्न वो घूमने वाला है बाई तरफ लेकिन मेरे से मेरे रास्ते से काट के जाने वाला है तो आई शुड गो फर्स्ट मुझे पहले जाना चाहिए लेकिन मुझे तैयार रहना चाहिए ब्रेक मारने के लिए ठीक है आई शुड लेट द साइलिस्ट गो फर्स्ट मुझे साइकिलिस्ट को पहले गुजरने देना चाहिए एज दे आर इंडिकेटिंग दे आर गोइंग टू टर्न जैसे कि वो इंडिकेट कर रहे हैं वो टर्न करने वाले हैं आई शुड लेट साइकिलिस्ट लाइक साइकिलिस्ट को पहले नहीं देने जाना दूसरे वाला मुझे ठीक लग रहा है साइकिलिस्ट को पहले नहीं क्योंकि उसने बाएं घूमने और सामने से आने वाली गाड़ी को पहले देगा आई शुड लेट द साइलिस गो फर्स्ट मुझे साइकिल को फर्स्ट जाने चाहिए।, चाहिए ये भी गलत हो गया सिंस द प्रयोरिटी टू द राइट जो राइट को प्रायोरिटी जाती है राइट right रूल है अप्लाइज एट द जंक्शन मुझे दूसरा वाला ठीक लग रहा है तो मैं दूसरे वाले को क्लिक करूँगा मेरा ठीक हो गया नीचे एक्सप्लेनेशन होती है अगर चीज़ समझ ना आए तो बंदा नीचे प्लस और मजीद डिटेल के साथ पढ़ सकता है आगे जी है कि यू हैव जस्ट रीफिल्ड योर कार आपने रिफिल कर लिया अपनी कार इनके तेल भर लिए पेट्रोल पंप से अभी आपने तेल भर लिया पेट्रोल पंप से एंड यू आर अबाउट टू लीव द पेट्रोल स्टेशन आपने अभी पेट्रोल स्टेशन को छोड़ना है एग्जिट रूल होगा ना मेरे ख्याल में यहाँ पे एंड द ड्राइव बैक एंड ड्राइव पीछे करनी है और ऑन टू द रोड वापस रोड के ऊपर चढ़ना है विच इज़ correct कौन सा करेक्ट है तीनों में से आई मस्ट गिव वे टू ऑल व्हीकल्स ऑन द रोड मुझे सब व्हीकल्स को पहल देनी पड़ेगी जो रोड के ऊपर हैं जब मैं रोड की साइड से इंटर हो रहा हूँ जहरी बात है फिर मुझे सभी को पहल देनी पड़ेगी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ठीक है इंटरसेक्शन के ऊपर राइट के प्रायोरिटी देती है ना क्योंकि मैं एग्जिट रूल अप्लाई होगा तो मैं गराज से अपने घर से पेट्रोल पंप से निकल रहा हूँ तो सुबह सभी को मुझे पहल देनी होगी मेरे ख्याल में पहला ठीक है दूसरे पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी टू द राइट अको इस अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटी पहल देनी है राइट right रूल को राइट right का रूल है प्रायोरिटी आई हैव टू गिव वे मुझे प्रायोरिटी देनी चाहिए टू व्हीकल्स गाड़ियों को डेट और कमिंग फ्रॉम द राइट जो राइट right से आ रही हैं देखो ये इंटरसेक्शन नहीं है ये यहाँ पे वो रूल नहीं यहाँ पे एग्ज़िट रूल अप्लाई होगा क्योंकि मैं पेट्रोल पंप से एग्ज़िट करना है और ऑन टू द रोड जाना है ठीक है इसलिए ये गलत अकॉर्डिंग द एग्ज़िट रूल एग्जिट रूल के अकॉर्डिंग व्हीकल्स ऑन द रोड जो गाड़ियाँ हो रोड के ऊपर हैं मस्ट गिव वे टू मी वो मुझे प्रायोरिटी दें जो रोड के ऊपर गाड़ियाँ वो थोड़ी प्रायोरिटी देंगी मैं बाहर निकलना है रोड के ऊपर मुझे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी एग्ज़िट रूल अप्लाई होगा इसके लिए ये भी गलत पहले वाले को करेंगे ठीक मेरा करेक्ट हो गया जी नेक्स्ट अगले पे आ जाए ओके okay जी यहां पे यू इंटेंट यानी कि आप इंटेंड टू टर्न राइट आप राइट right में घूमना चाहते हैं एट द जंक्शन जंक्शन के ऊपर चौक के ऊपर द रेड कार इंडिकेट्स दैट इट इंटेंड्स टू टर्न ऑन टू द सेम रोड रेड कार भी सेम रोड पे बाएं ही घूमना चाहती है मैं भी बाएं रेड कार भी बाएं वेयर द ग्रीन एरो जहां पे ग्रीन एरो है तीर का निशान है इस पॉइंटिंग जहां पे ग्रीन एरो तीर का निशान पॉइंट कर रहा है व्हाट शुड यू डू आपने क्या करना है बेसिकली उसने बाएं घूमना है सामने से गाड़ी में उसने आपको प्रायोरिटी देनी है यह हमें पता चल रहा है ठीक है आई मस्ट अलाओ द रेड कार मुझे यकीन अलाओ करना चाहिए रेड कार को टू गो फर्स्ट वी पो पहले जाए यार ये तो शुरू से ही गलत हो गया कि मुझे रेड कार को प्रायोरिटी देनी चाहिए आई हैव टू ड्यूटी टू गिव वे मुझे ड्यूटी है कि कि मैं पहल दूँ क्योंकि सामने सामने वाली गाड़ी बाहिक घूम रही है वो पहल देगी ना वो प्रायोरिटी देगी आई शुड गिव फर्स्ट फर्स्ट बिकॉज द रेड कार हैज़ ड्यूटी टू गिव वे टू मी I should go first मुझे पहले जाना चाहिए बिकॉज द रेड कार हैज ड्यूटी टू गिवे मी टू मी रेड कार को ड्यूटी है कि वो मुझे रास्ता दे ये मुझे ठीक लग रहा है Neither नीदर आई नॉर दार हैव आर ड्यूटी टू गिव वे यानी कि दोनों को कह है, नहीं, नहीं right, right रहे हैं कुछ जरूरी नहीं कि पहले दें सिंस नीदर आफ आस आर अप्रोचिंग फ्राम द राइट क्योंकि दोनों ही राइट से हम वहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं देखो जी उसके राइट के आप आ जाते हो जब वो बाइक घूमती है तो सामने सामने वाली गाड़ी को प्रायोरिटी देनी होती है इस वजह से उसको पहल देनी पड़ेगी क्वेश्चन ये हो गया गलत रेंटर वाला जो मुझे ठीक लग रहा था तो उसको क्लिक करेंगे मेरा हो गया ठीक आपका ठीक है जबरदस्त शाबाश आगे जी दो गाड़ियाँ यहाँ से ना गैराज से या साइड घर से इंटर हो रही हैं रोड के ऊपर है ना मेरे ख्याल में कह रहे हैं यू टेंट टू कंटिन्यू ड्राइव आप कंटिन्यू करना चाहते हैं ड्राइव ड्राइविंग स्ट्रेट आड सीधा आगे जाना चाहते हैं एंड द रेड कार इज अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट और रेड कार दाएं से आ रही है दस द एग्ज़िट रूल अप्लाई इन ई दर सिचुएशन दोनों सिचुएशन में ये एग्जिट रूल अप्लाई होगा दोनों में एग्जिट रूल अप्लाई होगा कि नहीं क्योंकि दोनों साइड से रोड के ऊपर इंटर हो रही हैं तो मेरे ख्याल में दोनों में अप्लाई होना चाहिए यस इन ओनली सिचुएशन है सिर्फ ए में बी में बी में नहीं होगा क्या ख्याल है मेरे ख्याल में बी में भी होगा गलत होगा ये यस ओनली बी सिचुएशन ये भी मुझे गलत लाग रहा है यस इन बोथ सिचुएशन ए और बी और बी दोनों सिचुएशन में ये मुझे ठीक लग रहा है और नहीं ये दोनों में नहीं ये मुझे गलत लग रहा है तो यस इन बोथ सिचुएशन ए बी में क्लिक करेंगे ट्राई करते हैं ये ठीक है जी नेक्स्ट पे चलेंगे नेक्स्ट पे तो खत्म हो गए कंप्लीट आ रूल टू कंपेटिव रूल टू आपने अप्लाई कंप्लीट uh, कर दी है ठीक है जी कंटिन्यू करें जी आगे पढ़ना है कि बहुत है हुँ? कि कल पढ़ लें ठीक है सर कल ही पढ़ लेते हैं फिर आज तो कल पढ़ लेंगे आप जो इसके पीछे वाले हैं ना पीछे वाले जो इसके जो चार पांच पेज है उनको पढ़े अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो हम उसको भी पढ़ लेंगे कल ठीक है और ये इसका करेंगे जी